हेलो स्टूडेंट, अगर आप ट्रिपल सी ओ लेवल या इसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको इस वेबसाइट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक वेबसाइट की मदद से आप बहुत इजीली अपनी फ़ोटो को या अपने थंब स्पेशन को अपने साइन को रिसाइज कर सकते हैं, उसमें DPI सेट कर सकते हैं, ये सारे काम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम लिख देते हैं। वेबसाइट IME रिसाइजर नाम है इसका, IME रिसाइजर ये नाम आपको लिखना है। एंटर की प्रेस करेंगे, पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी ये वाली, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आप देखें यहाँ पर क्या आता है, अपलोड इमेज, कि आपको यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट फाइल पर जाते हैं, ये यहाँ पर क्लिक कर दें आप। अब हमारी इमेज मान लीजिए डाउनलोड्स पे, ये हमारी इमेज है, तो हमने पहले इसको सेलेक्ट करके ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन करते हैं तो आप देखें यहाँ पर लिखा आता है नीचे कि आपको रोटेट करना है या क्रॉप करना है। तो मान लीजिए हमें इसको यहाँ पर क्रॉप करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पासपोर्ट साइज़ बनाना है। तो पहले इसको पासपोर्ट साइज़ के हिसाब से हम यहाँ पर रिसाइज कर लेंगे साइड साइड से, जैसे ये सब आपको दिखाई देता है। यहाँ एरो आएगा, इन एरो का यूज़ करके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया। इतना काम आपको यहाँ कंप्लीट करना है, जब कंप्लीट हो जाए तब आप देखें यहाँ पर अप्लाई क्रॉप पे कर देना है, तो क्रॉप अप्लाई हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या है, ये इंचेस लगा है, हमें यूनिट बदलना है इसको, मान लीजिए पिक्सल में करना है। आप अगर इंचेस में आपको हाइट विड्थ पता है तो आप इंचेस कर दें, MM है तो MM, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हम पिक्सल के हिसाब से अप्लाई कर लें। हम पिक्सल के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर विथ है तो यहाँ पर विथ हम यहाँ पर लिख देते हैं। मान लीजिए ट्रिपल सी के हिसाब से हमें इसको एडजस्ट करना है, ट्रिपल सी में 132 होता है और जो हाइट होती है 170 होती है, तो 170 यहाँ पर लिख देना। फॉर्मेट JPG फॉर्मेट होता है, DPI जो यहाँ पर होती है, मैक्सिमम फाइल साइज़ KB यहाँ पर, जैसे DPI तो यहाँ पर DPI हमें 105 रखना है। फाइल साइज KB के अंदर 50 KB के अंदर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40 KB। यूनिट यहाँ पर KB ही रखना है हमें। इसके अलावा अगर आप देखें आप बदल भी सकते हैं, MB कर सकते हैं, बाइट्स कर सकते हैं, फिलहाल ज़्यादातर में KB ही मांगा जाता है। बस जैसे ही आपको ये काम कंप्लीट हो जाए बस आपको नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, तो आप देखें डाउनलोड्स के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब आपको इसको सेव करना है जहाँ पर भी आप चाहें, तो हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर फ़ोटो, और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लें अपना, जिससे आपको आसानी रहेगी कहीं पर भी अपलोड करना। तो यहाँ न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर फोल्डर, और यहाँ पर लिख देंगे ट्रिपल सी, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन, देन यहाँ पर सेव। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो गई। फिर से हमें बैक में आना है, तो यहाँ बैक पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर बैक में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए अपनी साइन अपलोड करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पर साइन आ जाता है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, ये साइन आ गया हमारा। अब पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉप करना है, तो क्रॉप पर क्लिक करेंगे, ये आप देख लें कि साइन पूरा पूरा यहाँ पर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है। एक बार बैक करते हैं इसको, जो यहाँ पर हाइट ऑफ विग लिखा है इसको यहाँ से हटा देते हैं, पहले इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, ये सारा काम हटा देते हैं, यह एक बैक और कर देंगे तो एकदम नए से आ जाएगा यहाँ जैसे पहले आ रहा था। फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन, ओपन करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है क्रॉप, आपको क्रॉप पे जाना है। जैसे चाहे वैसे आप क्रॉप कर लें, जितना एरिया आपको रखना है जो आपके साइन में या थंब स्पेशन में आता है उतना एरिया आप सेलेक्ट कर, या आपको कुछ डाउट्स हो कि आपका साइन सही से रिसाइज नहीं हो पा रहा तो एक बार साइट को बंद करके यहाँ से कट करके दोबारा ओपन करेंगे तो फिर से आप फ़ोटो वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे आसानी से। अप्लाई क्रॉप पर क्लिक करें तो अप्लाई क्रॉप आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल सी के लिए जो विथ होती है 170 होती है, हाइट जो होती है साइन के लिए 132, और यहाँ पर JPG है, यहाँ पर हमें जो फाइल का साइज हमें रखना होता है यहाँ पर माल 20 KB के अंदर रखना होता है, और DPI हमारी यहाँ पर 96 से 200 तक होनी चाहिए। तो ये आप यहाँ पर देख लें, हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब जैसे ही आपका इतना काम कम्प्लीट हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं विथ हो गए यहाँ पर, हाइट हो गई, ये हो गया, सारे काम हो गए, फिर यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट डाउनलोड, कुछ सेकंड में ही डाउनलोड के लिए आ जाता है, यहाँ पर लिख देंगे साइन, बस यहाँ से आपको क्या देना है, सेव कर देना है। इस तरह से बहुत ईजिली आप अपने फ़ोटो को, अपने साइन को, या मान लीजिए आपके पास थंब स्पेशन है उसको भी आप इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, पहले इस फोल्डर को ओपन करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आया या नहीं आया। सबसे पहले फ़ोटो पर जाते हैं, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, एकदम सही जानकारी आपको देंगे यहाँ पर। आप देखें यहाँ पर इसकी जो हमारा साइज है ये इतना है,
डिटेल्स पर अगर जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशन क्या है, 132 पिक्सल विथ है, 170 पिक्सल यहाँ पर हाइट है, और रिजोल्यूशन यहाँ पर DPI जो हमने दिया था रिजोल्यूशन करके आता है जो 105 है। इसी तरह आपको साइंस पे भी हम साइन पर भी दिखा देते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ तो आप देखें यहाँ पर जो साइज़ है हमारा 10.5 है। उसके अलावा डिटेल्स पे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर DPI वगैरह सब ऑटोमेटिक हमारा जैसा, मतलब आपको फोटोशॉप पेंट वगैरह किसी सॉफ्टवेयर पे जाने की भी ज़रूरत है ही नहीं ना, आप डायरेक्टली इस वेबसाइट से रिसाइज कर सकते हैं आप बहुत ईजिली, और खुद से ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस वेबसाइट को अगर आप मोबाइल पर ओपन करेंगे तो मोबाइल पर भी बहुत ईजिली ओपन करके आप अपनी फ़ोटो या अपने साइन को रिसाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे वीडियो को शेयर करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।